अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, नबी के शहर अंडर हो गए। और इसने बोला कि 150 रियाल कोई रेट नहीं है यहाँ का, 40 रियाल ही लेते हैं सारे। अरबी लूट के चला गया गाइस। ये रही जी ट्रेन भाई, यहाँ की डील कुछ अलग ही है। ये है जी बिजनेस क्लास 300 गाइस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइज, लास्ट व्लॉग में देखा आपने, कल मैंने मेरी लाइफ का पहला उमराह किया। मैंने उमराह किया, अल्लाह का घर देखा, खाना काबा, एंड इट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मतलब बेस्ट ना बेस्ट डे था मेरी लाइफ का। और हाँ, कल मैंने टकला भी किया, ये भी देख लिया होगा। तो बताओ, कुछ ज़्यादा अजीब तो नहीं लग रहा मैं? तो रुको, थोड़ा अच्छे से टकला देख लो, क्योंकि कल दिखा नहीं पाया था सही से। पूरी लाइफ जी है, तो वहां जा रहे हैं आज। फिलहाल मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, होटल से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं और ट्रेन लेते हैं, बुलेट ट्रेन जो कल दिखाई थी 350 स्पीड वाली। तो यहाँ से मदीना है 450 किलोमीटर, लेकिन ट्रेन में खाली 2 घंटे लगते हैं। तो यस, निकलते हैं और चलते हैं मदीना की तरफ। इस पूरे सफ़र में मुझे बस एक दिक्कत आ रही है, वह सामान कैरी करना। अकेले से मैं यार 3-3 बैग उठा रहा हूँ, एक इधर से, एक कैसे, वो भी इतने भारी बैग। बट चलो यार, खूबसूरत सफ़र है, और ज़्यादा सवाब मिलेंगे मुझे जितनी मुश्किल आते होंगी। तो यस, होटल से बाहर आ गए जी हम। यहाँ से मुझे कैब करनी है ट्रेन स्टेशन तक, और फिर ट्रेन से मदीना डायरेक्ट इंशाल्लाह। ये था जी हमारा आज वाला होटल। खैर, लेट्स गो। यहाँ सबसे बड़ा खर्चा पता है क्या है? कैब, मतलब लिटरली यहाँ 3-3 किलोमीटर का 8-8 हज़ार रुपया लेते हैं। मेरा होटल का चार्ज था रात को 120 रियाल, जो होता है लगभग 3,000 के आसपास। लेकिन मुझे कल मक्का स्टेशन से यहाँ तक 150 रियाल दिया उस बंदे ने, वो 4,000 होता है। 12 किलोमीटर होगा लगभग, 10-12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का उसने 4,000 रुपया लिया। और उनको बोल भी नहीं पाते कुछ, उनको बोलते नहीं डिस्काउंट में इतना नहीं, उनको समझ ही नहीं आता, फिर इंसान मजबूर होता है। मक्का स्टेशन ट्रेन स्टेशन बुलेट ट्रेन मदीना। बस ट्रेन। उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ यार। मक्का स्टेशन, ट्रेन स्टेशन मदीना। मैं क्या यार, इनको पता ही नहीं ट्रेन होती क्या है। अब मैं क्या, ऊबर ही बुक करते हैं यार, ऊबर भी चलता है यहाँ पे। फाइनली यार, इस भाई को समझ आ गया कि इंडियन ही है, तो डन हो गया। चलो भाई, आप कहाँ से? बांग्लादेश। सॉरी, मुझे लगा इंडिया। मुस्लिम नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया साथ में ही रहता है। हाँ हाँ, साथ में ही पड़ता है। चलो जी, ये पहुंच गए जी हम ट्रेन स्टेशन, जो कि अपने वहाँ के एयरपोर्ट से भी खूबसूरत है, माशाल्लाह। बाय द वे गाइस, अभी एक चीज़ पता चली है कि कल जिस कैब वाले को मैंने 150 रियाल दिया ना, वो मुझे लूट के चला गया है, क्योंकि इस भाई ने खाली 40 रियाल लिया। और इसने बोला कि 150 रियाल कोई रेट नहीं है यहाँ का, 40 रियाल ही लेते हैं सारे। बट चलो कोई बात नहीं, कल यार मुझे खाना कबाब देखने की एक्साइटमेंट हो रही थी, तो उसने जो बोल दिया मैंने दे दिया। और वो अरबी था, तो उसको समझ ही नहीं रहा थी मेरी लैंग्वेज, मैं उसको बोल रहा था नहीं नो, उसने बोला, उसको समझ ही नहीं आया। तो भाई चलो कोई बात नहीं, अरबी लूट के चला गया गाइस। ये देखो जी, यहाँ का ट्रेन स्टेशन 300। थैंक यू। तो गाइस, टिकट ले लिया 300 रियाल का, लगभग 7,000 रुपये के आसपास। उफ, फिर तो यार इतना खूबसूरत होना बनता है ट्रेन स्टेशन, क्योंकि प्लेन से महंगा टिकट है ट्रेन का।
ये रही जी टिकट मेरी मदीना की। मैं सोचा यार 1000 रुपये तक का होगा, बट चलो बढ़िया है। 5 बजे की मेरी ट्रेन है, अभी 2-3 घंटा है, अभी 1 बज रहे हैं, तो तब तक कुछ खा पी लेते हैं यार, भूख बहुत लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया था सुबह मैंने, तो कुछ खा लेते हैं और फिर यहाँ से देख लो ये उमराह वाले माशाल्लाह, जैसे उमराह के लिए जा रहे हैं मक्का। अरे वाह सबवे भी है यहाँ पे, यही ट्राई करते हैं यार। लेज देखो यहाँ का भाई, क्या बात है, कितने का है? 6 रियाल। 6 रियाल का मतलब 100-150 रुपये का। वाह जूस जूस लेते हैं कुछ, माउंटेन ड्यू पीते हैं आज बहुत टाइम बाद। शिवाज डर के आगे जीत है, अभी 1000-1500 का ना हो। ले लिया जी हमने सबवे का बर्गर और चिप्स और माउंटेन ड्यू, और ड्यू थी डाइसो की जैसे हमने बोला था। तो यहाँ पे बैठ के खाते हैं जी, देखते हैं कैसा है बर्गर हमारा। भाई यहाँ की ड्यू कुछ अलग ही है, अपना वाला टेस्ट नहीं है इसका, अच्छी है लेकिन डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कंप्लीटली डिफरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया है, 100% बढ़िया है, जबरदस्त। ये देखो जी लेज भी डिफरेंट हमारे वाले से, टेस्ट भी डिफरेंट। वो अंकल टिप्स वाला टेस्ट है इसमें, वो साल्टेड। फाइनली गाइस 2-3 घंटा वेट करने के बाद वी आर गोइंग टू बोर्ड द ब्लड ट्रेन, अभी 15 मिनट में आ रही है। तो यस विच रन्स बाय द स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर्स, मोर देन 350 किलोमीटर्स पर आवर। ये रही जी ट्रेन, बुलेट ट्रेन, यार अलग ही डिज़ाइन है यार अपनी वाली ट्रेन से जो इंडिया में होती है। ओके वेयर इन, ये देखो जी अंदर से कैसी होती है बुलेट ट्रेन। तो गाइस बैठ गया जी मैं सीट पे, 117 है मेरी सीट, हाँ सही है। ये है अंदर से ट्रेन, एकदम कंफर्टेबल, स्पेशियस, एकदम परफेक्ट, साफ सुथरी, गुड टू गो। अब ये 10-15 मिनट रुकेगी इधर जब तक सारे पैसेंजर्स आ जाएंगे, और फिर निकलेगी, भागेगी, निकलेगी नहीं भागेगी। इसमें बिजनेस क्लास भी होता है, बिजनेस क्लास भी, फर्स्ट क्लास भी, नहीं उसकी टिकट और ज़्यादा महंगी है, उसकी तो 15-20 हज़ार की होती होगी, लेकिन है मैंने आगे देखा बिजनेस क्लास है इसमें। ट्रेन निकल पड़ी गाइस, स्पीड देखो अभी 11 है ना, अभी देखो क्या भागेगी ये। 3-2-1 लेट्स गो। गाइस यहाँ ट्रेन में कैफे भी है, तो मैं कुछ खाने का सामान लाने जा रहा हूँ। 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटा 20 मिनट का सफ़र है, तो कुछ खाने पीने के लिए उठाते हैं और सफ़र को एंजॉय करते हैं। ये है जी कैफेटेरिया, ये है जी बिजनेस क्लास। हेलो देख लो, कुछ खास फर्क नहीं है, सामने ये स्क्रीन मिलती है, दैट्स इट, और थोड़ा बहुत ये कंफर्ट के लिए, बाकी सेम ही है। मैं तो ना चढ़ूँ यार, 10,000 एक्स्ट्रा देखिए। यू मिस दिस and this and how much in total? तो ये ले लिया जी जूस और सम चॉकलेट वगैरह, लेट्स ईट। ये भाई साहब सो रहे हैं तो आराम से बात कर रहा हूँ, इसलिए कॉफ़ी भी लेके आ गया मैं।
कॉफी भी पियेंगे। Two hours later. Alhamdulillah, guys. नबी के शहर अंडर हो गए। सुभानअल्लाह। 2 घंटे का सफर था। 2 घंटे में हमने 450 किलोमीटर तय किए। क्या स्पीड है भाई ट्रेन की, ओ माशाल्लाह। अभी कैब बुक करते हैं और होटल चलते हैं और फिर देखते हैं मस्जिद नबवी अभी जा पाएंगे या कल, वो देखते हैं कितना टाइम लगता है होटल तक। ये रेजी टैक्सी, थैंक यू सर। और ये रहा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत। मेरी फीलिंग बता नहीं सकता मैं आप लोगों को यार, क्या बताऊँ। तो गाइज होटल पहुंच गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा जी होटल रूम, सामान वगैरह सब रख दिया मैंने। एंड मदीना में हूँ भी मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है मेरे लिए, एक इंसान के लिए। तो यस, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हम, उनकी ज़मीन पे हैं, मतलब जहाँ वो पले बड़े हैं, जहाँ वो रहे हैं, जहाँ वो घूमे हैं, जहाँ उन्होंने इबादत करी है। तो यस, इंशाल्लाह कल हम ज़ियारत पे निकलेंगे। अभी काफ़ी लेट हो रहा है तो अभी सो जाता हूँ मैं, और सुबह आपको सारा मदीना दिखाएंगे इंशाल्लाह, और ख़ुद भी देखूँगा मैं। तो यस, अभी सो जाता हूँ मैं और इस व्लॉग इधर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने डिनर वगैरह नहीं किया क्योंकि मेरा पेट भरा था, वो ट्रेन में खाया था ना, वो जो भी खाया था तो पेट भरा हुआ है।